नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज बोध महोत्सव में बहुत सारे युवा हैं जो अपने हाथों से कलावा काट रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है इसके बारे में बताएं। क्योंकि देखा गया है कि हजारों साल से जो इस देश के अंदर गुलामी व्यवस्था जो हमारे समाज के लोगों के अंदर जो अभी तक जो व्यवस्था पैदा हुई हुई है, और हम जो आज जो यहाँ पे जो कलावे और जो हम काट रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक ये गुलामी की जंजीरें हैं और हम इस चीज़ को देखते हैं कि इस कलावे को काट के हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि ये जो है हमारा प्रतीक नहीं है। क्योंकि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में ये लिखा गया है कि हमें जो है किसी ब्रह्मा विष्णु महेश पत्थर पूजा नहीं करनी। तो हम जो जितने भी जो यहाँ पे जैसे भी बौद्धिस्ट प्रोग्राम होते हैं वहाँ जाते हैं और ऐसे हम जो है लोगों के हाथों से कलावे काटते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक एक विचारधारा बाबा साहब की या गौतम बुद्ध भगवान की विचारधारा लोगों तक पहुँचाते हैं। धन्यवाद सर, आपका भी कलावा काटा गया, ये कैसे, मर्जी से कटवा रहे हैं कोई कटवा रहा? ये सभी जो कलावे काटे जा रहे हैं ये अपनी इच्छा से कटवा रहे हैं, क्योंकि आज तक ये लोग अंधविश्वास रूढ़िवादिता पाखंड में जकड़े हुए थे। आज ये अपनी इच्छा से और बाबा साहब के विचारों को पढ़कर ये उससे मुक्त हो रहे हैं। ये बुद्ध महोत्सव 25 दिसंबर को यहाँ पर मनाया जा रहा है, जो कि बाबा साहब ने इस दिन मनुस्मृति को जलाया था। मनुस्मृति जो हमारे लिए काला कानून है, अंधा कानून था हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए। बाबा साहब ने कहा आज मैं इसको जलाकर उस अंधे कानून से सबको मुक्त करता हूं। और जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो उसमें आर्टिकल 13 डाला। आर्टिकल 13 में बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो अब तक नियम कानून इस देश में चल रहे थे, आर्टिकल 13 के माध्यम से उन सभी नियम कानून को बाबा साहब ने जीरो घोषित किया और ये कहा कि आज के बाद ये देश इस संविधान जो संविधान अब बनाया जा रहा है, आज के बाद ये देश इस संविधान से चलेगा। और 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने वो संविधान सौंप दिया था। और अपने अंतिम भाषण में बाबा साहब के कुछ विचारों को मैं कोट कर दूं। बाबा साहब ने अपने संविधान में दिए अंतिम भाषण में ये कहा था कि आज से इस देश में राजनीति में लोकतंत्र स्थापित हो गया है, यानी कि एक व्यक्ति और एक वोट एक मूल्य रहेगा, लेकिन सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर अभी लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ है। अगर जल्द ही इस देश में सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ तो राजनीति में मिले लोकतंत्र को ये व्यवस्था ध्वस्त कर देगी। तो आज कुछ ऐसी व्यवस्था आ गई है जो राजनीति में मिले लोकतंत्र को ध्वस्त कर रही है। इसलिए जरूरी है कि हम सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर अपने लोकतंत्र की मांग करें, लोकतंत्र में विश्वास करें, वरना ये जो पहले था लोकतंत्र अब वो बन जाएगा राजतंत्र। तो हमें राजतंत्र से बचना है। यही इस बुद्ध महोत्सव में सभी वक्ताओं ने अपने विचार दिए और यही वजह है कि आज ये लोग अपनी इच्छा से अपने कलावे काट रहे हैं, गुलामी की जंजीरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने विचारों को ऊपर उठा रहे हैं। सभी को आपके चैनल को हमारा बहुत बहुत साधुवाद कि आपने ये खबर दिखाई। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।